एक बार पुनः मैं अमित कुमार श्रीवास्तव, अपने चैनल का नाम है दया मैसेनल शिक्षण के माध्यम से आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मेरे पहले भाई बहनों, बोर्ड एग्जामिनेशन बहुत नजदीक है, तो मेरे जिन भाइयों और बहनों को जो है अभी तक डाउट है कि वो कैसे प्रिपरेशन करें और उनके मार्क्स अच्छे आ जाए, तो सफलता का तो कोई शॉर्टकट तरीका तो होता नहीं है, तो उनके सभी डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैं पार्ट 5 क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड हैं या इस तरह के क्वेश्चन सब पूछे आते हैं, तो उनके बेसिस पे मैं कुछ क्वेश्चंस में पर डे में आपके सामने ला रहा हूँ। तो प्लीज इन वीडियोस को जरूर देखिए। तो शुरू करते हैं आज के इस पार्ट 3 के कॉन्सेप्ट्स को। तो ये जो आज जो मैंने क्वेश्चन जो सिलेक्ट किया है, ये 2018 के मार्च बोर्ड का जो मैथ्स का जो पेपर हुआ था, इसमें सारे क्वेश्चन आए थे, तो आज के उसी 5 क्वेश्चन को लेकर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन का लेकर के। तो पहला क्वेश्चन जो है वो जो है ट्रिग्नोमेट्री से है। ट्रिग्नोमेट्री में दिया गया ये क्वेश्चन नंबर जो था ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ था, तो इसमें प्रोबिंग पूछी गई थी कि सपोज करो कि साइन ए माइनस 2 साइन क्यू ए अपॉन 2 कॉस क्यू ए माइनस कॉस ए। अब इसमें जो भी खेल है वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का खेल है। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आपको ये इस क्वेश्चन को लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले क्या करिए, लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, अब लेफ्ट हैंड साइड लेने पर देख लीजिए, इसमें आप ये देखिए कि इन दोनों में कॉमन चीजें क्या है। यहाँ पे साइन ए वैल्यू 1 टाइम है और यहाँ साइन क्यू ए यानी साइन ए यहाँ पे 3 बार है यूज हुआ है, तो आप ये देखना है कि इन दोनों में से क्या चीज कॉमन ले सकते हो, तो आप साइन ए कॉमन ले सकते हैं। तो जब आप कॉमन लेने जाओगे तो यहाँ ये चूंकि आप निकाले तो इसकी जगह पे आप क्या रखोगे, 1। अब 1 क्यों रखोगे, आपको लगता होगा कि भाई 0 रखना चाहिए, तो अगर आप यहाँ 0 रख भी दोगे तो इसका मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, तो रिजल्ट में कोई बदलाव ना हो इसीलिए यहाँ पे क्या रखा जाएगा, 1। और 2 ऑलरेडी 1 निकाल चुके हो तो इसमें से 1 कम हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा अपॉन। अब यहां से क्या है कि कॉस ए दोनों में है यहाँ पे, तो अगर कॉस ए को निकालते हो तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको एक रूल समझना होगा, रूल क्या है कि जो साइन ए अपन कॉस ए जो होता है इसी को हम क्या करते हैं, टेन ए करते हैं, ये रिजल्ट आपको पता होना चाहिए, तो इसकी जगह अपन क्या रख देंगे, टेन ए। अब यहाँ पे आप देख लो कि ये चीजें अभी सेम नहीं है, तो इसको हम कैंसिल आउट तुरंत नहीं कर सकते हैं, पहले हमें इन दोनों को क्या करना होगा, बराबर दिखाना होगा कि दोनों बराबर हैं। तो इसमें जानते हो चेंजिंग किसी एक में करना, या तो डिनोमिनेटर या तो न्यूमरेटर को एक लेके करना होगा। और यहाँ पे एक फॉर्मूला होना चाहिए कि जैसे जनरली फॉर्मूला तुमको मालूम होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो इसी इस पहले वाले फॉर्मूले से जो है आप 2 अन्य फॉर्मूले भी बना सकते हो। क्या चीज, साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। तो यहां पे अगर आप क्या करोगे कि अगर 1 माइनस 2, अभी डिपेंडिंग ये करता है आपके ऊपर कि किसको चेंज कर रहे हो, अगर साइन स्क्वायर को चेंज कर रहे हो तो इसमें चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे अगर आपने लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि यहां पे क्या है कि थीटा की जगह पे ए है, तो इसीलिए यहां थीटा मत डालना, यहां ए की वैल्यू ही डालना है यहां पे अपॉन 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। अब इसमें करना क्या है कि थोड़ा सा इसको एक स्टेप और आगे बढ़ते हुए इसको सॉल्व करना है। अब यहां देखो यहां पे क्या हो रहा है, 1 देखो ये निगेटिव नंबर है और ये पॉजिटिव नंबर, तो निगेटिव और पॉजिटिव का मल्टीप्लाई करोगे तो निगेटिव 2 मिल जाएगा, और निगेटिव और निगेटिव का मल्टीप्लाई करो तो पॉजिटिव मिल जाएगा, और मिल जाएगा क्या, 2 कॉस स्क्वायर ए अपॉन 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। अब यहां देखो 1 माइनस 2 करोगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, यहां मिलेगा 10 ए, तो निगेटिव मिलेगा क्योंकि देखो यहाँ पे 1 और 2 में बड़ा कौन, 2 बड़ा है, तो इसीलिए साइन क्या रखना, माइनस का कर देना। और जब डिफरेंट कैटेगरी का होता है, मतलब जब एक पॉजिटिव और निगेटिव होता है, तो इस केस में हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं, तो 2 और 1 का सब्ट्रैक्शन जो रिजल्ट होगा वो माइनस 1 होगा, और यहां होगा प्लस 2 का स्क्वायर ए अपॉन 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1।
अब ये देखो ये रिजल्ट आपस में बराबर है, क्योंकि देखो 2 का स्क्वायर पॉजिटिव है, 2 का स्क्वायर पॉजिटिव है, यहां माइनस 1 था यहां माइनस 1 है, तो ये चीजें कैंसिल हो जाएंगी और आपको रिजल्ट मिलेगा 10a। तो ये तो पहला प्रूविंग आपको मैंने बता दिया है। और एक जो था ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था, तो उम्मीद करता हूं कि इसका कांसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। मूव करते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा रहा है, दूसरा क्वेश्चन जो था वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से था, क्लियर। और इसमें ये दिया गया था कि अगर सॉरी पूछा ही जा रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 8 मल्टीप्लाई ऑफ 3। क्वेश्चन में लिख दे रहा हूं फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 8 मल्टीप्लाई ऑफ 3। यहाँ पे करना क्या है कि आपको 8 मल्टीपल्स लेने हैं, और मल्टीपल्स का मतलब होता है जस्ट पहाड़, एक जस्ट समझ लो पहाड़ा ही समझ लो। तो आपको करना क्या है कि आप जो है 8 मल्टीपल्स लेंगे लेकिन 3 का लेंगे, और पहले 8 मल्टीपल्स लेंगे। तो अगर आप मल्टीपल्स लेते हो यानी इसके टेबल्स का जब नंबर लिखोगे तो लिखोगे 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 एंड 24। देख लो काउंटिंग कर लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गया। अब चूंकि सम पूछा गया है तो सम के लिए फार्मूला क्या होता है, n/2 2a + n-1 × b। अब करना क्या है इसमें, n की जगह पे क्या रखोगे, जितने टोटल टर्म्स आए हैं उन सभी टर्मों की वैल्यूज, टर्मों की वैल्यू नहीं सिर्फ टर्म्स की रिजल्ट रखना है। तो यहाँ पे टोटल टर्म्स 8 आए हैं, 8/2 रख दो, 2, a का मतलब था पहला टर्म दिया गया 3 डाल दीजिए प्लस n-1, n की जगह फिर क्या डालोगे 8 डालना, क्यों डालोगे क्योंकि टोटल टर्म्स 8 है। और d का मतलब था कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं a2-a1 करते हैं। अब a2-a1 का मतलब क्या है कि किन दो टर्मों के बीच में डिफरेंस निकालने के लिए अगले टर्म और पिछले टर्म के बीच में क्या डिफरेंस निकालते हैं, और डिफरेंस का मतलब होता है घटाना यानी सबट्रैक्ट करना होता है। तो जब सबट्रैक्ट करने जाओगे तो रिजल्ट आपको हर जगह 3 मिलेगा। देखो यहाँ भी गैप 3 का है, यहाँ भी गैप 3 का है, तो d की जगह 3 डाल दीजिए आप। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, 4, 6 + 7 × 3 करना। और एक गलती तो कभी मत करना, 6 और 7 को मत जोड़ना, क्योंकि बॉड मास के रूप से क्या होता है, पहले मल्टीप्लाई अब तब बाद में क्या होता है, अब जो यहाँ पे बॉड यहाँ तो डिवाइडेशन का साइन तो है नहीं, तो पहले मल्टीप्लाई को प्रिफर करना। तो 7 × 3 = 21 होगा, और 21 और 6 कितना होगा 27, और जब सॉल्व करोगे तो रिजल्ट मिलेगा 108। इसका एक दूसरा तरीका है, वो दूसरा तरीका क्या है उसको भी देख लो। उसके लिए करते क्या है, फॉर्मूला ये रहेगा, थोड़ा सा चेंजिंग हो जाता है, इसमें ऐसे ले लेते हैं n/2 और a+l लिख देते हैं। a का मतलब स्टार्टिंग के टर्म से है और l का मतलब आखिरी टर्म से है। तो 8 रखना 2, a का स्टार्टिंग टर्म क्या है 3 है, और लास्ट का टर्म क्या है 24। जब सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा 4, कैंसिल करने पर तो 4 मिल जाएगा, और यहाँ जब सॉल्व कर दो 27 मिल जाएगा, और यहाँ भी रिजल्ट क्या मिलेगा 108। यानी अगर किसी सीरीज का पहला टर्म और आखिरी टर्म दिया गया हो तो इस फॉर्मूले से भी आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो ये जो है इस पार्ट 3 का दूसरा क्वेश्चन था। मूव करते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया, तीसरा क्वेश्चन जो है 1 नंबर का मैं ले रहा हूं। इसमें ये दिया गया है कि दो ट्रायंगल सिमिलर है, सपोज करो कि ये ट्रायंगल एबीसी है और ये ट्रायंगल पीक्यूआर है, और ये जान लो सिमिलर है, ये सिमिलर का साइन है। सिमिलर का मतलब होता है कि दिखने में उसके जैसा लेकिन एग्जैक्टली उसके जैसा नहीं। तो यहां इंफॉर्मेशन में दिया गया था कि एबी रेशियो जो था पीक्यू वो 1:3 के इक्वल था। तो पूछा जा रहा है कि अगर हम इनके एरिया का रिलेशन ले लें पी क्यू आर वो क्या होगा। तो एक बार जान लो, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन इसलिए ज्यादा डीप नहीं बता रहा हूं मैं, जो एरिया का जो भी रेशियो होगा वो साइडों के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। और ध्यान रखना कि जो कॉरेस्पॉन्डिंग लेते हैं इसका मतलब ये कि अगर आप ए बी लिए तो यहाँ पी क्यू लिए, बीसी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्यू आर होगा और एसी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो होगा पी आर होगा। ठीक जो सिलेक्शन किसी पहले डायग्राम में कर रहे हो ठीक वैसा ही सिलेक्शन दूसरे डायग्राम में करना है। तो यहाँ पे क्या होता है कि एरिया ट्रायंगल एबीसी
अपॉन एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू क्या होगा, साइडो के स्क्वायर का रेशियो होता है, मतलब अगर दो ट्रायंगल जो कि सिमिलर हैं और अगर उनके साइडों का रेशियो दिया जाएगा, अगर दिया हुआ है तो उस केस में अगर जो अगर आप उनके एरियाज का रेशियो निकालना अगर चाहते भी हो तो उसका जो भी रिजल्ट होगा उन साइडों के स्क्वायर का रेशियो होगा। यानी यहाँ साइड क्या था ए बी, तो यहाँ ए बी का स्क्वायर करना होगा, यहाँ साइड इसमें क्यू आर दिया गया है तो क्यू आर लेना होगा। लेकिन सॉरी देखिए यहाँ पे गलत कर रहा हूँ मैं, मैंने कहा है कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइडों का, और यहाँ जो रिलेशन था क्या था ए बी पी क्यू था, तो यहाँ पे पी क्यू आप लीजिएगा, गलती से क्यू आर मत लीजिएगा, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड लेनी है, ए बी लिया तो पी क्यू लिया, रिलेशन ऑलरेडी इक्वल टू थ्री दिया गया था। तो अब यहाँ पे देखो ए बी की वैल्यू कितनी थी वन, तो वन का स्क्वायर, और पी क्यू कितना था थ्री, थ्री का स्क्वायर, तो यहाँ रिजल्ट मिला वन अपॉन नाइन आर वन इज टू नाइन। तो अगर इन दोनों के बीच में अगर आप एरिया का रिलेशन भी निकालते हो तो आपको वन इज टू नाइन का रिजल्ट आपको मिलेगा। तो ये दो जो था ये वन मार्क्स में पूछा गया था। तो ये जो भी वन मार्क्स का जो क्वेश्चन जो भी होता है, होता तो छोटा होता है, लेकिन ये वन मार्क्स के क्वेश्चन जो होता है ना वो थ्योरम बेस्ड होते हैं। तो प्लीज थ्योरम को अच्छे से प्रिपेयर करो आप, अगर मार्क्स अच्छा उठाना है तो। मूव करते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन दिया गया है, चौथा क्वेश्चन दिया ये गया है कि ये क्वेश्चन है सिमिलर ट्रायंगल से ही है, और ये क्वेश्चन जो है तीन नंबर में पूछा गया था, किस तरह का क्वेश्चन था ये भी जानो। सपोज करो कि एक स्क्वायर है ये, आज में सभी साइडों का रिजल्ट ए दिया गया और यहां नाम रख ए बी सी एंड डी। अगर आपने इस स्क्वायर के किसी एक साइड को रखते हुए आपने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ बनाया, जैसे मान लो आपने यहाँ पे एन लिख लिया, तो अगर ए एन का रिजल्ट एन डी के इक्वल है और एन डी का रिजल्ट ए डी के इक्वल है, तो आपने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया, एक साइड को लेकर के बनाया, और आप जो है एक दूसरा इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हो डायग्राम को लेकर के। डायग्राम थोड़ा सा गलत बन गया, इसको मैं सही कर दे रहा हूं मैं इस तरीके से, और मान लीजिए इसका नाम P है। तो आपको ये दिखाना है एरिया ट्रायंगल जो ACP होगा ये टू टाइम्स होगा एरिया ट्रायंगल AMD के। तो सबसे पहले आप जान जाओ कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। तो अगर आप AMD का एरिया कैलकुलेट करना चाहते हो, एरिया ट्रायंगल AMD, ये तो आपको शो करना है, चाहे शो इट या प्रूव इट, मान लीजिए ये रिलेशन आपको दिखाना है कि कैसे होगा। तो यहां पे मैं सॉल्यूशन में दे रहा हूं मैं, तो एरिया ट्रायंगल एएनडी जब निकालोगे तो चूंकि एएनडी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो फार्मूला होगा अंडर रूट की साइड का होल स्क्वायर बाय फोर होता है। तो यहां पे क्या करना, साइड क्या लोगे, अब यहां पे मान लो कि जब एडी ए है तो बाकी की सभी साइड ए हो जाएंगे, तो यहां साइड की जगह क्या डालना, ए का स्क्वायर बाय फोर इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट थ्री ए स्क्वायर बाय फोर जाएगा। तो ये तो आपने निकाल लिया ए एन डी का एरिया, लेकिन अब आपको पता करना है कि भाई एपीसी का एरिया क्या होगा। अब एपीसी ए का एरिया निकालने के लिए जो एपीसी जो इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है ना ये, इसमें आपको किसी एक साइड की वैल्यू पता होनी चाहिए, क्योंकि जो एक साइड की जो वैल्यू होगी वही अन्य साइडों की भी वैल्यू होगी। तो यहाँ पे देखो एसी जो है क्योंकि इस स्क्वायर का डायगोनल है, तो सबसे पहले आप ये पता करो कि स्क्वायर का डायगोनल का फार्मूला क्या होता है। तो इसको मैं हटा दे रहा हूं, मैं कैसे निकालते हो डायगोनल आप स्क्वायर जो होगा डायगोनल आप स्क्वायर एबीसीडी इज इक्वल टू होता है साइड अंडर टू। अब साइड का मतलब ये है कि यहाँ पे जो एबीसीडी जो स्क्वायर है उसके सभी साइडों का लेंथ क्या है। तो आप देख लो जो एबीसीडी जो लिखा गया था उसमें सभी साइडों की वैल्यू ए थी, तो यहाँ ए रद्द हो गया, तो डायगोनल लेंथ की जो वैल्यू होगी वो ए अंडर रूट टू आएगी। तो एसी का जो भी रिजल्ट होगा वो होगा ए अंडर रूट टू। अब जब एसी ए है तो एपी भी क्या होगा ए अंडर रूट टू हो जाएगा, और जो पीसी होगा ये भी क्या होगा ए अंडर रूट
टू निकल करके आएगा। तो अब आप जो है यहाँ पे एबीसी का एरिया जब कैलकुलेट करोगे तो क्या मिलेगा, तो यहाँ देखो एरिया ट्रायंगल ए पी सी इज इक्वल टू हो गया। अब ध्यान रखना फार्मूला वही लगाएंगे अंडर रूट थ्री ए स्क्वायर बाय फोर, तो अंडर रूट थ्री साइड स्क्वायर बाय फोर। अब यहाँ पे साइड जो दिया गया है साइड जब सब देखोगे ना ए रूट टू, ए रूट टू मिलेगा, तो यहाँ क्या करना होगा ए अंडर रूट टू का होल स्क्वायर बाय फोर करना है। अब स्टेप को मैं थोड़ा सा मैं यहां बता दे रहा हूं, मैं इसीलिए प्लीज ध्यान रखना कि एरिया ट्रायंगल एपीसी इज इक्वल टू अंडर रूट थ्री को ऐसे ही लिख दो आप इन टू, अब ए का स्क्वायर करोगे तो ए मिलेगा, सॉरी ए स्क्वायर मिलेगा। यहाँ ए का जब स्क्वायर करने जाओगे ना तो ए का स्क्वायर लिखोगे, लेकिन अंडर रूट टू का जब स्क्वायर करोगे तो आपको मिल जाएगा टू, और डिनोमिनेटर में वैल्यू कितनी दी गई है फोर। अब यहाँ पे देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हो टू इंटू अंडर रूट थ्री ए स्क्वायर बाय फोर लिख सकते हो, और आपको पता होना चाहिए कि जब अंडर रूट थ्री ए स्क्वायर बाय फोर जो आप जब निकाले थे तो किसका निकाले थे, एरिया ट्रायंगल ए एन डी का निकाले थे। तो यहाँ पे क्या करना कि यहाँ लिख देना एरिया ट्रायंगल ए एन डी, और आपसे यही तो पूछा गया था कि एरिया ट्रायंगल एपीसी को दिखाना था एनडी का ट्वाइस, यानी एपीसी का जो भी एरिया आएगा इस एनडी से क्या होगा ट्वाइस हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जो है इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट भी अच्छी तरीके से समझ आया होगा, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई जरूर करिएगा कि आपको आया कि नहीं आया। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखिए अगला क्वेश्चन क्या था। अगला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ये क्वेश्चन मैं ले रहा हूं मैं हाइट एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन है, ठीक है, और ये क्वेश्चन जो था ये फोर मार्क्स का पूछा गया था। पूछा ये गया था कि सपोज करो ये मीनार है और यहां पे दो शिप्स हैं, एक शिप ये है और दूसरी शिप यहां पे थी, और दिया गया था कि इनका जो एलिवेशन एंगल जो था वो दिया गया था, सॉरी एलिवेशन एंगल नहीं सॉरी डिप्रेशन एंगल, तो एक से बना था 30 डिग्री का एंगल और एक से बना था 45 डिग्री का एंगल बना था। सपोज करो ये ट्रायंगल इसके नेम में लिख रहा हूं मैं, यहां ए बी जो है ये टावर है ये, और इस टावर का जो जो हाइट था वो 100 मीटर था। तो पूछा ये गया था कि सपोज करो ये P है और ये पॉइंट Q है, तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूं कि ये एलिवेशन, ये जो हम लोग एलिवेशन एंगल या डिप्रेशन एंगल जो पढ़ते हैं इसका मतलब है क्या। सपोज करो कि यहां पे कोई ऑब्जर्वर है जो देख रहा है, ये जो लाइन जो दिख रही है ना ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, तो अगर हॉरिजॉन्टल से नीचे कोई लाइन होगी तो ये समझ लो कि ये डिप्रेशन का एंगल है। अगर सपोज करो कि यहां एंगल जो बना है 30 डिग्री है तो यहां भी एंगल क्या होगा 30 डिग्री, और ये हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, और चूंकि यहां एंगल 45 डिग्री है इसका मतलब है कि अगर यहां 45 डिग्री का एंगल बनना है तो ऑब्वियसली यहां क्या बन जाएगा 45 डिग्री। तो एक बार फिर से मैं यहां डायग्राम से समझा रहा हूं, सपोज करो कि ये कोई ऑब्जर्वर है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो अगर जो है किसी चीज को अगर ऊपर देखे तो अगर लाइन अगर ऑब्जर्व कर रहे मतलब ऊपर की ओर है तो ये समझ लो कि ये एलिवेशन है, ये एलिवेशन। लेकिन अगर ये लाइन जो है हॉरिजॉन्टल के जब नीचे जब हो जाएगा तो इसे बोलेंगे डिप्रेशन एंगल। तो क्वेश्चन में ये दिया गया था कि अगर कोई मीनार है, कोई ये टावर है, टावर की हाइट 100 मीटर दे दी गई है और डिप्रेशन एंगल जो है वो दिए गए थे 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, तो देखो एरो जरूर लगाना, इससे पता ये चल जाएगा कि ये डिप्रेशन में है एंगल है कि एलिवेशन एंगल है। तो चूंकि नीचे की ओर है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे की ओर है ना, इसीलिए हॉरिजॉन्टल लाइन के जब नीचे कोई रेज जब इस तरह से दब जाएगी तो समझ लो ये डिप्रेशन का एंगल है ये।
और क्वेश्चन में पूछा ही गया था कि इन दो शिप्स के बीच का गैप है कितना। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग पहले देखेंगे कि ट्रेंगल एबीसी लेंगे और यहां क्या मिलेगा रिलेशन। अब देखो ट्रेकिंग ट्रेंगल जब एबीसी लोगे तो यहां पे हम लेंगे 10 45 डिग्री, और 10 45 डिग्री क्या होगा जब ट्रेंगल एबीसी लोगे तो आपको पता होना चाहिए कि 10 का जो रियल होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो यहां परपेंडिकुलर रियल क्या है ए बी है और बेस का रियल क्या है बीपी है। अब आपको पता होना चाहिए कि 10 45 डिग्री का रिजल्ट क्या होगा। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ गया कि सर हम कैसे हम पता करेंगे कि हम साइन लेंगे कि कॉस 45 लेंगे। तो देखो उसको समझने के लिए आसान तरीका ये है कि आपको इनके बीच का डिस्टेंस पता करना है और ऑलरेडी जो है परपेंडिकुलर दिया गया है तो आपको जानकारी जो है वो परपेंडिकुलर और बेस के बीच में ही रिलेशन निकालना है। यहाँ पी क्यू के बारे में ही पूछा जा रहा है तो जब ऑलरेडी ए बी परपेंडिकुलर है और यहाँ पे पी क्यू या ये जो बी क्यू जो दिख रहा है ये तो बेस है इसका, इसका मतलब परपेंडिकुलर और बेस का ही रिलेशन मिल रहा है। तो परपेंडिकुलर अपन बेस का रिलेशन किस में जाता है 10 में जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 10 45 और 10 45 की वैल्यू कितनी है 1 होगी। ए बी की वैल्यू आपको देखो अब यहाँ पे ए बी क्या था ये तो था हाइट ऑफ द टावर और हाइट ऑफ द टावर की वैल्यू क्या होगी 100 मीटर और बीपी। तो यहाँ पे क्या होगा जब बीपी का क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा बीपी इक्वल टू 100 मीटर। मतलब ये जान जाओ कि यहां से यहां तक का जो रिजल्ट है ये 100 मीटर है। और तुमको पता करना है पी क्यू पता करना है कि इन दो सी के बीच का गैप कितना है। अगर सपोज करो इसको हम एक्स मान लें कि लेट बी हम मान लेते हैं कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो एक्स मीटर का है। तो अब हमारे पास क्या है एक दूसरा ट्रेंगल भी है वो ट्रेंगल क्या है ट्रेंगल ए बी और क्यू लेंगे। ये पहले तो हमने ए बी पी लिया था अब एक पूरा ट्रेंगल ए बी और क्यू लेंगे। तो यहां पे देखो क्या दिया गया है 30 तो यहां पे लिखेंगे 10 30 डिग्री अपान परपेंडिकुलर अपान बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है ए बी है और बेस क्या है पूरा बी से क्यू तक है। अब आपको देख लो कि यहाँ पे सोल्यूशन में थोड़ा साफ कर दे रहा हूँ ध्यान देखना 10 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3 होती है और ए बी का जो रिलेशन जो दिख रहा है ए बी की जगह आप क्या डालोगे यहाँ डालोगे 100 मीटर अपान बी क्यू जो है अगर आप देखोगे तो आपको दो पार्ट मिलेगा एक पार्ट बीपी मिलेगा दूसरा पार्ट पीक्यू मिलेगा। तो यहां पे क्या करना बीपी लिखना और पीक्यू लिख देना। अब 1/√3 इज इक्वल टू 100 बीपी की वैल्यू कितनी है 100 और पीक्यू की वैल्यू कितनी है तो इसको हमने एक्स माना था। अब देखो क्या होगा अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इसका मल्टीप्लाई जब इससे करोगे तो 1 × 100 प्लस एक्स से करना होगा और यहाँ 100 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे √3 से कर लेंगे। तो रिजल्ट क्या मिलेगा 100 प्लस एक्स इज इक्वल टू 100 √3। अब यहाँ देखो चूंकि इनके बीच में तुम ऐड कर नहीं सकते हो तो 100 को तुमको क्या करना होगा इधर शिफ्ट करना होगा। अगर शिफ्ट कर भी दोगे तो रिजल्ट मिलेगा क्या 100 √3 − 100। अब यहाँ ध्यान रखना कि इन दोनों में 100 आया हुआ है तो अगर आप 100 निकाल दोगे तो यहाँ पे √3 मिलेगा और यहाँ मिलेगा −1। तो ये क्या निकाल रहे थे यही तो x निकाल रहे थे तो यहाँ पे x क्या है PQ था तो PQ की जो वैल्यू आएगी वो 100 √3 − 1 मीटर होगी। तो ये तो इस पार्ट थ्री की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन था। तो उम्मीद करता हूँ कि आज मैंने इस पार्ट थ्री में जो भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लेकर डिस्कशन जो मैंने किया है आप सभी को अच्छे तरीके से समझ आया होगा। तो अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज उसके लिए अगर आपको ये पता करना हो कि कब मेरी कोई लेटेस्ट वीडियो आने वाली है तो बगल में नोटिफिकेशन बेल भी है उसको ऑन जरूर कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोज की अपडेट आपको पता चलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।